समाजवाद का लक्ष्य विकास एवं प्रकृति के साथ तारतम्य कायम करना है। जन संस्कृति मंच लखनऊ की ओर से कैफी आजमी एकेडमी में वरिष्ठ पत्रकार, कला समीक्षक, कहानीकार एवं संस्कृति कर्मी अनिल सिन्हा की याद में दिनांक 25/2/2019 को व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था 21वीं सदी में समाजवाद। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए दिल्ली से आए प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि आवर्स एंड योर्स सोशल मूवमेंट्स इन क्रिएटिव सोसाइटी, द प्रॉब्लम ऑफ आवर्स एंड योर्स। ये जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। माई ग्रेटेस्ट फ्रस्ट्रेशन इज दिस। PUDR में मैं शुरू से हूं आज तक। PUDR का कभी कभी हम डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं या धरना देते हैं या कोई मीटिंग करते हैं तो, और हम सॉलिडारिटी के लिए वर्कर्स, जब जब कोई गुजरात दंगा हुआ उसके बाद हम माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर आएंगे तो क्रिश्चियन और इस्लामिक ग्रुप्स उसमें हिस्सा लेंगे हमारे साथ। अगला सैटरडे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स राइट्स पे आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे हमारे साथ। तो यही जो हमारा जो आवर्स एंड योर्स, वो आपका इशू है, ये हमारा इशू है। ना आप सक्सेसफुल होंगे ना हम सक्सेसफुल होंगे, ये इस तरह का। तो इसके बाद कुछ ML ग्रुप मिलके एक प्रस्ताव दिया कि हम नेशनलिटी क्वेश्चन के ऊपर कुछ काम करेंगे। और मेरा याद है CPI ML लिबरेशन का पहला कुछ सालों में स्टडी ग्रुप्स में मुझे बुलाते थे, मैं जाके नेशनल क्वेश्चन के ऊपर दिया था। ये जो 85 में चेन्नई में एक सेमिनार हुआ था नेशनल क्वेश्चन पे, AR देसाई, शंकर गुहन योगी, AK रॉय सब लोग उसमें थे। उस किताब है नेशनलिटी क्वेश्चन इन इंडिया, मैं उसका फॉरवर्ड लिखा हूं। और 15 साल के बाद 1996 में ऑल इंडिया पीपल्स रेजिस्टेंस फोरम के कॉल में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ नेशनलिटी क्वेश्चन पे, और उसमें विलियम हिंटन आए थे कीनोट एड्रेस के लिए और मैं था ऑर्गेनाइजिंग कमिटी चेयरमैन, और हमने एक किताब निकाला। उसमें सारा मैंने कार्ड्स बास से लेके LTTE से लेके अपना सारे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, तमिल, सब कुछ वो थे। हमारे झारखंड वगैरह तब तक हुआ बना नहीं था, वो भी थे। तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन का फॉरवर्ड का टाइटल था सिंफोनी ऑफ फ्रीडम। मैं जानबूझ के वर्ड रखा था सिंफोनी। इसका माने था कि नेशनलिटी क्वेश्चन को सक्सेसफुल करने के लिए नेशनलिटी क्वेश्चन को क्लास, कास्ट, जेंडर, ये सबके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब सिंफोनी बनेगा, तब नेशनलिटी क्वेश्चन एक नया राष्ट्र या कोई नया स्टेट वगैरह आप बनाएंगे तो सक्सेस होगा। आप जैसा आशुभ आसाम में आंसू का क्या हुआ, आप BJP के साथ अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन AGP BJP का अलाई बन के अभी अब तक पिछले महीना तक था। तो देखिए, क्योंकि उन्होंने सिंफोनी ऑफ फ्रीडम में विश्वास नहीं किया, वो क्लास पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, जेंडर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब छोड़ के आसाम मिडिल क्लास सोविनिज्म, नेशनलिज्म में नहीं, उसको सोविनिज्म में ले लिया। पूंजीवादी विकास और उत्पादन की व्यवस्था में निरंतर अलगाव पैदा हो रहा है। समाजवाद का उद्देश्य इस अलगाव को कम करना तथा समाज में अधिक से अधिक एकता कायम करना होता है। समाजवाद का लक्ष्य विकास के साथ अधिक से अधिक प्रकृति के साथ तारतम्य कायम करना है। प्रोफेसर मोहंती आगे जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद एवं नव सृजनात्मक समाजवाद आदि मुद्दों की गहराई में ले गए। तो ये हमारा साथ, हमारे जो
छोटा सा ग्रुप है जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किए थे, डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर बनाया उसी आइडियाज को लेके। अभी हम लोग फिर इकट्ठे होके पिछले 5 साल से क्रिएटिव थ्योरी कोलोकियम हर टीचर्स डे पे बनाते हैं। वरिष्ठ लेखक व कवि एवं जन संस्कृति मंच के उपाध्यक्ष भगवान स्वरूप कटियार ने अनिल सिंह को जसम की नींव का पत्थर बताया एवं उनकी याद में कविता पढ़ी गई। यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है, वहां मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। दोस्तों की फैली हुई बाहें और बढ़े हुए हाथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी उम्र का पल पल रेत की तरह गिर रहा है। रिहान मुझे बुला रहा है, ऋतु, अनुराग, निधि, अरसद, शाश्वत, दिव्या, मेरी प्रिय आशा। और दोस्तों की कितनी बड़ी दुनिया, मैं किस किस का नाम लूं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। मेरी सांसें जवाब दे रही हैं, पर याद रखना दोस्तों, मौत वक्त की अदालत का आखिरी फैसला नहीं है। जिंदगी मौत से कभी नहीं हारती, मेरे दोस्त ही मेरी ताकत रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और ना ही होता है दोस्ती से बड़ा कोई धर्म। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दोस्ती से बड़ी कोई विचारधारा भी नहीं होती, जैसे चूल्हे में जलती आग से बड़ी कोई रोशनी नहीं होती। मेरी गुजारिश है कि उलझे हुए सवालों से टकराते हुए इस बेहतर इंसानी दुनिया एक बेहतर इंसानी दुनिया बनाने के लिए मेरे यादों के साथ संघर्ष का यह कारवां चलता रहे मंजिल की आखिरी पड़ाव तक। इस व्याख्यान के कार्यक्रम में नागभूषण पटनायक की कविता कॉन्स्परेंसी नो यस रेवोल्यूशन का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में अवधेश कुमार, राजेश एवं अशोक चंद्र ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के सोशल साइंस के प्रोफेसर राजेश मिश्रा ने की एवं संचालन श्याम अंकुरम ने किया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए कलीम इकबाल की रिपोर्ट।